लुईस प्रेगनेंसी में प्री मेच्योर डिलीवरी के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर होता है वो एक बच्चे को जन्म देने के लिए होता है, ना कि दो दो बच्चों को एक साथ जन्म देने के लिए होता है। और कभी कभी ये जो ट्वींस में प्री मेच्योर लेबर पेन होते हैं वो आपकी लापरवाही से भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है कि आप अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी में खिलाई पिलाई का विशेष ध्यान नहीं रखती हैं, यानी कि ट्विंस प्रेगनेंसी में जितनी कैलोरी की डिमांड होती है आप उसको पूरा नहीं करती हैं, तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप दिन रात स्ट्रेस में रहती हैं तो आपके प्री मेच्योर लेबर पेन होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। एंड तीसरा रीजन है पानी बहुत ही कम मात्रा में पीना। एंड चौथा रीजन है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना और आपका हाई ब्लड प्रेशर रहना, एंड आपको प्रीक्लैम्प्सिया की शिकायत हो जाना और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत हो जाना। और इसके अलावा अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं और आपको शुगर की समस्या हो जाना और आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना और आपकी उम्र 17 से कम एंड 35 साल से ज्यादा होना और ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर नींद ना लेना और आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा प्रीविया की शिकायत हो जाना या फिर आपकी यूट्रस या फिर सर्विक्स में कोई भी परेशानी होना और प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना से ब्लीडिंग होना और गर्भ में पल रहे ट्विंस बेबी में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना और इसके अलावा आपकी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में 2 से 3 साल का गैप ना होना। अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है और आपने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट 6 महीने बाद ही कंसीव कर ली है तो ऐसे में भी बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्री मेच्योर लेबर पेन की हिस्ट्री रहना। अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको आप जरूर करें ताकि आपकी तरफ से कोई भी लापरवाही ना हो। तो सबसे पहली बात कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर मात्रा में हेल्दी चीजों का सेवन करना है एंड आपको पर्याप्त कैलोरी लेनी है ताकि आपको और आपके बेबी को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल सके एंड आपकी बॉडी में किसी भी तरह से पोषक तत्वों की कमी ना हो। एंड इसके अलावा आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पीती हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है एंड आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिस वजह से आपके प्री मेच्योर लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको अपने हीमोग्लोबिन का विशेष ध्यान रखना है, आपको आयरन युक्त डाइट का सेवन जरूर करना है और आपको केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बाजार में अब ज्यादातर ऐसी चीजें मिलती हैं जिनमें केमिकल जरूर होता है, तो आप कोशिश करें पैकिंग वाली चीजों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा ना करें, नहीं तो आपकी बॉडी में जो केमिकल जाता है वो आपके लिए और आपके शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है एंड इसके अलावा वो प्री मेच्योर लेबर पेन भी स्टार्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे क्वालिटी वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान आपको अनहेल्दी चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में अनहेल्दी चीजें लेती हैं तो इससे आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, जिस वजह से भी आपके प्री मेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपने वजन का विशेष ध्यान रखना है, आपका अनहेल्दी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो भी रीजन बन जाता है प्री मेच्योर लेबर पेन का। और आप कोशिश करें जितना भी वेट गेन करें आप हेल्दी चीजों से ही गेन करें, क्योंकि अनहेल्दी चीजें लेने से आपके बेबी का वेट कम रहेगा एंड आपका वेट ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल एंड हेल्दी है और आपके डॉक्टर ने आपको किसी भी तरीके का कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये भी एक रीजन होता है प्री मेच्योर लेबर पेन स्टार्ट होने का, क्योंकि आपकी नसें वगैरह जाम होने लगती हैं एंड आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए आपको घर के हल्के पुल्के काम करते रहना है एंड ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग जरूर करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें और ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगी आपके प्री मेच्योर लेबर पेन को दूर करने में।
अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपके डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है तो आपको जरूर करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके प्री मेच्योर लेबर पेन को रोकने में। तो आप इन दोनों में फर्क जरूर समझें और आप अपनी डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही काम करें। और ट्विंस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर आपको बार बार यूरिन आने की समस्या होगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको गलती से भी अपनी यूरिन को रोक के नहीं रखना है। और अगर आप रोक के रखती हैं तो ऐसा करने से आपके ब्लैडर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है जो कि आपके यूट्रस तक भी पहुंच सकता है, जिससे भी आपके प्री मेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। और जब भी यूरिन पास करने जाए तो अपनी वजाइना को पानी से क्लीन अच्छे से जरूर करें। और आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर गलती से भी पीठ के बल नहीं सोना है। अगर आप सोती हैं तो आपके यूट्रस एंड स्पाइन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे कि प्री मेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा आप हो सके तो हल्के गुनगुने पानी से जरूर नहाएं, इससे आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको स्ट्रेस रहता है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और ये आपके यूट्रस एंड बॉडी को बहुत ही अच्छे से रिलैक्स रखने का काम करता है। और आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर अपनी बॉडी को मसाज जरूर देनी है, बट आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको मसाज के टाइम कोई भी पॉइंट्स नहीं दबाने हैं, ना ही हाथों के एंड ना ही पैरों के, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आपको हल्की हल्की मसाज ही डायरेक्ट करानी है। मसाज लेने से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा एंड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। ट्विंस प्रेगनेंसी में जो कैलोरी की डिमांड होती है वो सिर्फ आपके खाने से पूरी नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर आपको जो भी सप्लीमेंट्स देते हैं आप उनको रेगुलर लें, उनमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एंड इसके अलावा आपको आयरन एंड कैल्शियम की जो टेबलेट्स होती हैं वो रेगुलर जरूर लेनी है। और आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके पेट के निचले हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव पड़े, और लगातार कोई भी काम नहीं करना है। आपको बीच बीच में रिलैक्स जरूर लेना है, आपको दिन में 2 घंटे आराम जरूर करना है और आपको खुश रहना है। और इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर की हर बात को फॉलो करना है, आपको वो जितने भी अल्ट्रासाउंड बताते हैं या फिर कोई भी चेकअप बताते हैं तो आप उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।